मैं इंडस्ट्री से आया हूँ और इंडस्ट्री पिछले 10-15 साल में अच्छी चल रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल लैंड का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। यहाँ इंडस्ट्रियल लैंड की बहुत शॉर्टेज है। एक तरफ तो बेरोजगारी की बात होती है, काम नहीं हुआ यहाँ पर, नई लैंड डेवलपमेंट कोई नहीं है, तो नई लैंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है सर, इन्हें बोलिए पहले, आप साइड होइए। मेरा सवाल है कि इतने किसान, इन्होंने ये कही थी कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे, क्या लेके आए? किसानों की आय दुगनी करने की कही, जो जंगली पशु है उनका क्या कहा? 8 बार के सांसदों ने बरेली में रबर फैक्ट्री बनने का काम, आज हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी मोदी जी ने। मैडम ये कब आए थे? 1 मिनट मैडम, ये कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, और इस सरकार में महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं। आप हाथरस कांड देख लिए, हाथरस मैडम, इन्होंने हाथरस में क्या करा भैया? देखिए आप देख रहे हैं ना, हाथरस में क्या करा? हाथरस में दलित बेटी को आगे से आप लोग जाने दीजिए पहले। हाँ बताइए, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा वोट जो है, सबसे ज्यादा वो लोग को ही लाभ मिलता है जो मुसलमान लोग हैं, क्योंकि बाकियों को नहीं मिलता ना। बाकों को तो मिलता ही है। आप मोबाइल नीचे रखिए, मोबाइल नीचे रखिए मैडम। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, जिन चौकी थानों में सम्मान मिलता है उन चौकी थानों सपा के लोग लिस्टें बनाते थे दलाली की, वो दलाली खत्म हो गई। और देखिए मैडम, आज धर्म की राजनीति हो रही है, या सदभी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सपा वाले, सपा अभी समाजवादी पार्टी। ठीक है, चलिए आप थोड़ी सी जगह दीजिए। आप जब दंगे, देखिए एक मिनट, जब दंगे डिबेट, अब एक बरेली की विकास की बात अगर हम करें तो भाजपा के सांसद 8 बार यहाँ सांसद रहे और कांग्रेस का 1 बार यहाँ सांसद रहा, तो 8 मैं एक बार पूछता हूँ, यहाँ जितने भाजपा के ये खड़े हैं सब कमसर डाल के, इनसे किसी से भाजपा के 8 काम पूछ लीजिए। दूसरी चीज अरे 8 काम, दूसरी चीज कर्नाटक के उज्ज्वल लोहमन्ना की कितनी सारी वीडियो आई हैं जिसके ये फोटो दिखाते घूम रहे हैं, जरा इसके जवाब दीजिएगा। एक एक करके सवाल पूछिए, चलिए बहुत सारे सवाल मैं लेकर आई हूँ। पहले आपसे वैक्सीन घोटाले का सवाल आया, तो इस पे जल्दी से जवाब दें। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ, निश्चित रूप से हर मेडिसिन इस वक्त, जिस वक्त ये देश इस महामारी के में था, पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं था, इस देश ने इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ अपनी वैक्सीन बनाकर एक इतने बड़े लोगों को बचाया। आप सोचिए, करीब 2000 डॉक्टर्स की डेथ हुई, अगर ये वैक्सीन नहीं होती, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर्स काम कर रहे थे, मैं आपको बता सकता हूँ न जाने कितने डॉक्टरों की डेथ होती, कितने पैरामेडिकल स्टाफ की डेथ होती। बहुत बड़ा काम हुआ है, कोई घोटाला नहीं है। हर दवा एक केमिकल होती है, उसका कोई साइड इफेक्ट होता है। एस्ट्रोजेनिका ने कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तो चुनावी माहौल में ऐसी बात को लेके आना सिर्फ एक ये चुनावी मुद्दा है। हम सब स्वस्थ खड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड की वजह। चलिए कांग्रेस के लिए भी सवाल आया, क्योंकि वहां से ये पूछा जा रहा है कि ना आप लोगों के पास कोई नीति समझ आती है, ना नियत समझ आती है, और चेहरे पर तो आप कुछ बोलते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब वाईहात सवाल हैं। इन लोगों को झूठ के सिवा, ये झूठ का एक वो लोटा है जो उसको गंगा जल बताते। मैंने आपसे एक बार कहा, आपने मेरा, मैं कह रहा हूँ मुझे 8 काम दिखा देंगे, 8 बार के सांसद का नेता बीजेपी मुझे 8 काम गिना दे, मेरा वोट ले ले। जनता बार बार चुन के कैसे भेजती है? बताई है, देखिए जीतना एक अलग चीज है, जिताना एक अलग चीज है, मुझे गिना दो ना, मैं गलत सिद्ध करो मुझे, अरे मुझे गलत सिद्ध करो, 8 काम दिखा दो, मेरा वोट लो, 8 काम बताओ मेरा। चलिए आप जल्दी से सुनिए, आप बिना कुछ बोले जल्दी से काम गिनवा दीजिए। बरेली में इतने सारे काम हुए, बरेली की सारी रोड्स का विस्तार हुआ है, बरेली एक स्मार्ट सिटी में बनने वाला है। इस वक्त हमारे यहाँ सारे एक 300 बेड का हॉस्पिटल लोगों के लिए कोरोना में बनकर तैयार हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, पहले यहाँ पे सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक इकोनॉमिक जोन था, आज बरेली में 3 इकोनॉमिक जोन्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, नए कॉलेजेस बने हैं, 3 मेडिकल कॉलेजेस वाला सिर्फ इकलौता शहर है यहाँ पर, जब बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स बन के निकल रहे हैं, तो यही तो डेवलपमेंट होता है किसी शहर का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।